और जो चीज़ें खानी चाहिए उसके अंदर मैं बताता चलूँ कि फ्रेश वेजिटेबल्स और जो है जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं वो आप खाइए। इसके अलावा जो है ऑयली फिशेज हो गई, ठीक है, जिसके अंदर ओमेगा 3 होता है, बिल्कुल सही। इसके अलावा जो है हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा तो इंसान फिश खाए ना, बिल्कुल फिश ज़रूरी है, सी फूड ज़रूरी है, ठीक है, और दांतों के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा जो है वाइट मीट बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए, चिकन चिकन हो गया या फिश हो गया या प्रॉन्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हो गई सी फूड, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कलरफुल वेजिटेबल्स हो गए जैसे ब्रिंजल हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, सिट्रस फ्रूट्स हो गए जैसे नारंगी हो गई, मौसमी हो गई, विटामिन सी से जो विटामिन सी जिसके अंदर लीमू हो गया या टोमेटोज हो गए, ठीक है, सारे रसदार फल जो हैं जितने जी जी ये चीज़ें ज़्यादा हेल्प करती हैं। जूस से ज़्यादा बेहतर है डॉक्टर साहब, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यानी जूस से ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इनके अंदर पल्प मौजूद होता है, गूदा मौजूद, हाँ गूदा मौजूद होता है, तो फिर वो भी जाहिर सी बात है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और दांतों के लिए भी अच्छा, एक फ्लशिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब जो भी जो दांतों में जो भी प्लाक वगैरह एक्यूमुलेट हो रहा होता है या जो भी जो तह जमरी होती है मसलसल उसको बिल्कुल क्लीन आउट कर देता है, फ्लश आउट कर देता है, ठीक है, तो ये चीज़ें खानी चाहिए।